मैं कमी सर यस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर बैठ जाइए थैंक यू सर आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया यस yes, सर इतिहास लेके किया नहीं सर मेरी बीटेक थी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में अच्छा तो 16 से आप क्या कर रहे हैं अभी तक सर उसके बाद लगातार प्रिपरेशन की लेकिन सर सफल नहीं हो पाया यूपीएससी में और सर यूपी पीसीएस में उसके बाद ट्राई किया तो सर ये मेरा पहला मेंस और इंटरव्यू था प्रयास भी पहला है आपका सर यूपी पीसीएस में ये तीसरा प्रयास है टेक्निकली लेकिन इस बार ठीक से बढ़ के दिया था अच्छा ये बताएं आप तो हैं बेसिकली इंजीनियर हैं यस सर इतिहास में भी रुचि कैसे जागी आपकी सर इतिहास में पता नहीं कैसे लेकिन शायद इनट है बर्थ से ये बहुत ज़्यादा रुचि है, है इतिहास में आपने इतिहास का अध्ययन किया है यस सर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है यस सर हमें बताइए भारतीय इतिहास में ऐसे कौन से दृष्टांत हैं जहां आपको लगता है कि शाह और मात का गेम खेला गया हो सर ये बताना बहुत मुश्किल है सर कुछ भी नहीं आपको याद आ रहा है बैटल ऑफ बंगाल बैटल ऑफ पलासी कुछ आपने नाम सुना है यस सर पलासी की लड़ाई या बंगाल की लड़ाई कि किसके बीच में हुई थी षड्यंत्र के, के तौर पर देखी जाती है बैटल ऑफ प्लासी जिसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइफ की सेना ने हराया था और बैटल ऑफ बंगाल में क्या हुआ था सर बैटल ऑफ बंगाल नहीं याद कर रहा इतिहास का अध्ययन आपने किया है प्रशासनिक सेवा में जब अगर आप जाते हैं तो इस अध्ययन का क्या फ़ायदा होगा सर प्रशासनिक सेवा में जो हमने हिस्टोरिकल मिस्टेक्स किए हैं उनके बारे में हमें पता रहेगा और आगे हम ऐसी मिस्टेक्स ना कर पाएं उससे हमें इतिहास से सीख मिल सकती है कुछ, कुछ दृष्टांत हमें दे सकते हैं सर जैसे अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही आई इंडियन सिविल सर्विसेज में बहुत सारी हमने फ़ायदा उठाया है उसका लेकिन सर उस टाइम पर जो हमारी प्रशासनिक सेवा थी वो अंग्रेजों के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी उनके लिए हम लॉयल थे लेकिन सर अभी जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं या फिर राज्य सरकार के लिए काम करते हैं इसमें सर लॉयल्टी हमारे देश के लिए रहेगी तो सर इससे होगा क्या कि हम सर इसमें प्रशासनिक सेवा में सर भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें सर पहले लाभ ब्रिटिश हित के लिए हम देते दे थे लेकिन इससे सर लाभ भारत को मिल जाएगा अब एक चीज़ हमें बताइए भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो गुण और दो अवगुण हमें बताएं सर अवगुण में अगर सबसे पहले अवगुण की बात करें तो सर रेड टैपजम पहले बहुत ज़्यादा होता था अब तो फिर भी हो हुआ? हुआ। और चलिए और दूसरा बताइए और अवगुण क्या है सर करप्शन की प्रॉब्लम करप्शन दो अवगुण बताएं हमें दो गुण क्या है सर दो गुण में सर सबसे पहला गुण तो यही होगा कि ये सर हमारे लिए एक स्टील फ्रेम की तरह है और सर इंटीग्रिटी है एक तरफ आप कह रहे हैं करप्शन है एक तरफ कह रहे हैं आप इंटीग्रिटी है सर, लेकिन ये है, एक आपकी आ, है ये सब्जेक्टिव चीज इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है सर अब जब आपने कहा कि प्रशासनिक सेवा स्टील फ्रेम है ये सर तो आपका तात्पर्य क्या है इससे सर ये एक बैकबोन प्रदान करता है कंट्री को ब्यूरोसी जो भी सर योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं उसे सर इम्प्लीमेंट करने का कार्य फ्रेम क्यों कहा जाता है इसे सर क्योंकि ये पूरी तरह से बैकबोन प्रदान कर रहा है जो भी योजनाएं लाई जाएंगी उसे सर इम्प्लीमेंट करने का काम प्रशासन का होगा तो सर जमीनी स्तर पर काम करते हैं ये लोग इसलिए सर इसे स्टील फ्रेम कर तो तो आज अच्छा के दिन में आपको ये लगता है कि प्रशासनिक सेवा आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी उन्नीस में जब इस, इसकी इसकी शुरुआत हुई थी तब मजबूत था सर उतनी मजबूत तो नहीं है कुछ कमी जरूर आई है इसकी मजबूती में लेकिन फिर भी सर कार्य स्तर पर देखा जाए तो मजबूती अभी भी है क्योंकि शक्तियां हैं प्रशासनिक सेवकों के पास बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर इतिहास के छात्र हैं यस सर बीटेक भी किया है यस सर और सीख भी लेते हैं इतिहास से यस सर हिस्ट्री में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे रहे हैं यस बता सकते हैं क्या क्या रहे हैं कम्युनिकेशन सर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर जनरेशन्स uh, की बात करें तो सर जो जनरेशन थी वो वन से लेकर अब तक फाइव तक आ चुकी है और सर इसमें इवोल्यूशन हुआ है लेकिन सर एवोल्यूशन को ट्रेस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन का फील्ड नहीं रहा है सर मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ कि इतिहास में कम्युनिकेशन कैसे होते थे सर इतिहास में कम्युनिकेशन जो एनशियट टाइम्स हैं एनशियन में किसी भी टाइम में सर कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट का यूज भी कर सकते थे पहले जैसे हम सर अगर मिडाइबल एज में देखें तो पोस्ट का यूज़ बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पर हालांकि डलोजी जब आए थे तब उन्होंने कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा कार्य किया था सर इसके अलावा जो घुड़सवार होते थे उनकी मदद से भी कम्युनिकेशन किया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर अच्छा पार्टिकुलरली तुगलक के समय पर क्या जी सर ठीक है आप जिस क्षेत्र के हैं यस सर तो उस क्षेत्र में चंदेला डायनेस्टी जो है वो हुआ करती थी और सीख भी हम लेते हैं इतिहास से yes, तो चंदेला के में वहां पर वाटर के कोई नहीं हुआ करती थी पूरे yes, में। yes, yes, तो क्या चंदेला ने ऐसा क्या किया था जिससे जो वो वाटर की स्कॉसिटी नहीं थी और क्या अडोप्ट कर सकते हैं चंदेला से सर वाटर की स्कॉसिटी होने के बहुत सारे कारण है सर इस टाइम चंदेला से क्या जो है वो एडोप्ट कर सकते हैं सर चंदेला ने बहुत सारे पॉइंट्स बनवाए थे सर आज जो पॉइंट्स हैं बुंदेलखंड में वो सर आ, या तो गंदे हो चुके हैं या फिर उनमें वाटर डेफिशिएंसी है और सर पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो सर चंदिला से जो हमने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वाटर मैनेजमेंट के वो हम उनसे सीख सकते हैं सर क्या था ट्रेडिशनल सिस्टम एक तो पॉन्ट्स का जो है वह यस सर ठीक पॉन्ट्स के अलावा पॉइंट्स के अलावा सर उन्होंने छोटे छोटे से नहर नहरें बनवाई थी उस टाइम पर जो सर आज भी झांसी में या उसके आसपास के एरियाज में जैसे महोबा में हमें देखने को मिल जाती है सर यही दो पॉइंट याद कर इंटरकनिक इंटरकनक ऑफ पॉइंट था सर लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं था नहीं था यस yes, सर तो अभी किया जा सकता है सर अभी किया जा सकता है लेकिन सर इसके लिए पॉपुलेशन का माइग्रेशन भी होना पड़ेगा जैसे सर अगर झांसी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो वहाँ पर आतिया तालाब है और सर बरुआ सागर तालाब है तो ये सर बहुत सारे तालाब तो हैं लेकिन इनकी दूरी काफी ज्यादा है और इनके बीच में जो पॉपुलेशन रहती है उन्हें माइग्रेट होना पड़ेगा उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा इंटरलिंकिंग तो आजकल पाइप से होता है शिफ्टिंग की क्या जरूरत है हाँ सर लेकिन जो टोपोग्राफी है झांसी की वो सर क्या करेंगे कम्प्रेसर लगा देंगे सर हाँ सर लगा के पाइपलाइन से जो है हो सकता है टेक्निकली ये पॉसिबल है तो तो इसमें माइग्रेशन की तो आप तो जरूरत ही नहीं है तो कम्युनिकेशन का मीडियम ही चेंज हो गया यस सर हम्म चलिए एक चीज़ जो है ये बताइए कि चंदेला डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में यस yes, सर जो पॉन्ड बनाए गए थे यस yes, सर और आज जो पॉन्ड बनाए जा रहे हैं मनरेगा में यस सर ठीक है दोनों में क्या डिफरेंस जो है वह समझ आता सर पौंड की टेक्निकल डिज़ाइन की बात हो रही है नहीं टेक्निकल डिजाइन नहीं अप्रोच में सॉरी सर नहीं पता मुझे अच्छा मनरेगा में कहा जाता है जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि मनरेगा का एक जो है कहा जाए कहा जाए कि जो है एक, है एक बेनिफिट कि उसने इन्वामेंटल जो है वह बेनिफिट्स को जो है वह बढ़ा दिया मनरेगा ने जितने भी पॉइंट्स बनाए उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया ओके सर क्या आप बिलीव करते हैं ऐसा सर बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसा होना बहुत मुश्किल है अच्छा रिचार्ज की बात कर रहे हैं हाँ, क्यों क्यों रिचार्ज रिचार्ज सर सर बहुत मुश्किल है क्योंकि सर, जो प्लेटो है बुंदेलखंड में वो सर ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना हुआ है और सर उसमें अंतर है ना सर ग्रेनाइट की ज्यादा है अभिषेक अभी हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है यस yes, मैम आप मेरे को इसके बारे में कुछ बताएंगे कितनी इसकी लेंथ है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं जो क्रॉस कर यस मैम इसकी लेंथ मैम टू नाइनटी सिक्स किलोमीटर्स है और ये फोर लेन हाईवे है लेकिन इसे एक्सटेंड करने पर विचार चल रहा है सिक्स लेन में और मैम ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है और संभवता औरैया इटावा में जाकर मिल जाएगा टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ये क्रॉस करेगा मैम टोटल डिस्ट्रिक्ट से याद नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा ऐसा कहा जा रहा है कि इससे डिफेंस कॉरिडोर को भी मदद मिलेगी वो कैसे होगा मैम डिफेंस कॉरिडोर को जो कि पहले से ही प्रस्तावित है यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजर के जाएगा वो तो मैम डेवलपमेंट में तो मदद मिलेगी उसके क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और जो डिफेंस का इक्विपमेंट है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कम्युनिकेशन में हेल्प मिल जाएगी ठीक है ग्रीन एक्सप्रेस वे क्या है सॉरी मैम याद नहीं कर इसी से रिलेटेड है यह मैम पढ़ा था लेकिन याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा चलिए ठीक है हाल ही में एन आई आर रैंकिंग की लिस्ट रिलीज हुई है कौन कौन से कॉलेजेज हैं जो टॉप किए हैं यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप किए हैं मैम मैंने इस बार की नहीं पढ़ पाई है एन रैंकिंग आप इंजीनियर हैं <laughs> यस मैम लेकिन शायद डेली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थोड़ी पीछे हो गई है और जे जामिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है फर्स्ट कौन है मैम याद नहीं ठीक है कोई बात नहीं Uh, हाल ही में रिलीज किए गए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स पढ़े हैं आपने नो no, मैम नहीं पढ़े हैं अच्छा ये बताइए कि भारत से यूएस ने जो काटसा सेंक्शन थे वो yes, उसको वेव ऑफ कर दिया yes, है yes, इसके पीछे क्या दलील दी गई है यूएस द्वारा और भारत को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं मैम यूएस की जो कांग्रेस है उसमें उन्होंने बिल पेश करके भारत को सेंक्शंस से बचाया है तो इसके संभवतः जो कारण हो सकते हैं वो यह है कि भारत और यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं तो यूएस ने जैसे कि हम देख सकते हैं कि टर्की पर और चाइना पर सेंशन लगाए हैं काटसा के थ्रू जो एस वन हंड्रेड मिसाइल सिस्टम है उसे लेने पर लेकिन भारत पर एस वन हंड्रेड के लिए सेंक्शंस नहीं लगाए हैं तो मैम स्ट्रेटजिक रिलेशनस भी इसमें एक मैटर करते हैं जिसमें चाइना फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है यही फैक्टर याद कर पा रहा हूँ मैम कौन कौन से कंट्रीज के अगेंस्ट लगता है के किन से डील करने पे होता है ये सेंक्शन मैम कोई भी ऐसा कंट्री जो अमेरिका के हितों के विरुद्ध हो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के नाम लिए हैं अमेरिका ने मैम शायद नॉर्थ कोरिया ईरान और रशिया ठीक है हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है चाइल्ड अडोप्शन के ऊपर तो उन्होंने एक जो कि हम मानते हैं कि एक बहुत जरूरी कंडीशन होनी चाहिए चाइल्ड अडोप्शन में उसको मना कर दिया है आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्या वो रहा है Sorry, मैं, मैंने नहीं पढ़ा है कौन कौन से सिचुएशंस में चाइल्ड मतलब यहाँ कौन कौन लोग हैं जो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं भारत में भारतीय सिटीजन्स भारतीय सिटीजन होना तो कंपलसरी है और इसके अलावा मैरिड होने चाहिए कंपलसरी है इंडियन सिटीजन होना फॉरेनर्स नहीं कर सकते शायद मैम मुझे नहीं लगता क्योंकि मैम भारत की सरकार ने इतनी लिबरल अप्रोच अभी तक नहीं अपनाई है एडॉप्शन में जैसे कि लिविंग लिव इन पेरेंट्स चेक करिएगा आप एक बार एडॉप्शन रूल्स इसके अलावा इंडियन सिटीजंस के लिए क्या-क्या कंडीशन हैं इंडियन सिटीजंस के लिए मैरिड होना चाहिए और शायद पहले से कोई उनका चाइल्ड ना हो इनफैक्ट मैरिड होना चाहिए वाली कंडीशन इलाहाबाद हाई ने बना के है जी

भारत सरकार और यूपी सरकार सर yes, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है यस सर और काफ़ी कुछ प्रोग्रेस पे हुआ है यस yes, सर हमें बताइए कम से कम हमें दो या तीन चैलेंजेस बताइए जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बाधक हो रहा है सर सबसे पहला चैलेंज जो मैं देखता हूँ वो जोग्राफिकल है जोग्राफ़िकल चैलेंजेस में जहाँ सर हम देखते हैं कि बड़े शहरों में स्किल डेवलपमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है क्योंकि एजुकेशन का पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है लेकिन सर छोटे शहरों में और पिछड़े एरियाज़ में इस्पेशली रूरल एरियाज़ में एजुकेशन का पेनिट्रेशन कम है तो सर ये पहला चैलेंज है एजुकेशन और जोग्राफिकल रिलेशन इसके अलावा सर सोसाइटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे सर अगर कोई समाज पेट्रीर की में हो और वो महिलाओं को आगे ना जाने देना चाहता हो तो सर उसमें महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अच्छा अंतिम प्रश्न आपसे आप कविता आप, लिखते हैं यस yes, हिंदी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं सर हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम में किन विषयों पर आप कविता लिखते हैं सर वैसे तो जो पढ़ता हूँ सर उसके ऊपर लिखता हूँ और सर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी लिख देता हूँ कोई ऐसी कविता की चार पंक्तियाँ हमें आप सुनाइए जो आपको लगता हो कि आपका बेस्ट वर्क हो आपका क्रिएटिव वर्क हो सर जो याद है वो बता देता हूँ आपकी कविता है तो याद होनी चाहिए बताएं बात वैदिक काल की है उदित वर्ण व्यवस्था के जाल की है हर्षित प्रफुल्लित समाज में हाय। यह कैसी व्यथा थोपी सी है कुछ बरबर -बर लोगों के कारण भारत में गरिमा होती सी है पुरोहित पवित्र होता है या शूद्र अछूत होता है ईश्वर में रखता निष्ठा पर मानवता क्यों खोता है क्या है सही क्या है गलत सही धन्यवाद अंदर पंद्रह हज़ार आइए बैठ थैंक यू सर कैसा अनुभव रहा आपको आ, सर शुरुआत में थोड़ा सा नर्वस था बाद में ओके था आपका कब है साक्षात्कार सर मेरा ट्वेंटी फाइव को है आप अच्छे कैंडिडेट हैं अभिषेक आपको अच्छा अंक आना चाहिए दो चार चीज़ों का ध्यान रख लेंगे बिकॉज ये पर्सनैलिटी टेस्ट है आपकी यस yes, सर टेस्ट ऑफ नॉलेज पर से नहीं है ज्ञान में थोड़ी कमी हो कोई बात नहीं है बट विचार व्यवहार और सोच में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है सर इसलिए साक्षात्कार होता है ताकि वन टू वन इंटरेक्शन हो सके आपका तो आप में क्वालिटीज़ हैं सारी ईमानदारी है आप में क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं एक जो बड़ी जो शॉर्ट कमिंग जिसे कहते हैं जो हमने देखी आपकी बातों में कि पहले तो आप कहीं कहीं बहुत ही टेंटेटिव हो गए आप ओके सर आपको अगर प्रश्न का जवाब नहीं आता है कैंडिडेटली आप एडमिट कर लीजिए मुझे नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है ओके okay, सर बट गलत कह देना फिर उस पर बहुत देर तक टिके रहना फिर माफी मांगना ये एक आपके पर्सनैलिटी का कमजोर पहलू है ओके okay, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा आपको उदाहरण के तौर पर जब आपसे कहा गया था कि साहब आप एडोपन लॉ की बात करें यस yes, सर yes. आपको जानकारी नहीं थी यस yes, सर नहीं थी इतना, इतना सारे स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं थी एक साल पहले पढ़ा था दो साल पहले पढ़ा था इट्स नॉट अ फैमिली मैटर इट्स अ फॉर्मल इंटरव्यू इट फॉर्मल इंटरव्यू में आदर यू नो और यू डोंट नो जब आपको नहीं पता है जस्ट एडमिट कि सर आई डोंट नो इजेंट इट क्योंकि आपको थोड़ा भी पता नहीं था लेकिन फिर भी आप बहुत देर तक गेस करते रहे yes. वो ठीक नहीं है वो ठीक है उस पर अंकुश लगाएंगे अपने नेचुरल ये में कि जहाँ हमें नहीं आता है वहाँ हम ना बोलें और जहाँ आपको लगता है कि नहीं हमें आता है लेकिन आधी अधूरी जानकारी है पूरी नहीं है वहाँ आप परमिशन लें कि थोड़ी जानकारी मुझे है अगर आप परमिट करें तो हो सकता है मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ मैं बोलना चाहूँगा ठीक है सर ठीक है तो वो उससे आपको ईमानदारी झलकेगी ये व्यक्ति जो है ईमानदार है ठीक है ठीक है ना दूसरा है कि सेम का दूसरा पहलू ग्रेनाइट बैसाल्ट फिर आपको याद आया कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो प्रश्न को समझ लें सुन लें ठीक से ठीक है सर जब सुन लेंगे तो एक पाँच सेकंड टाइम दें समझने के लिए क्या पूछा गया है चंडेला वंश में ड्रेनेज सिस्टम की मेंटेनेंस की बात हुई या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई तो आप वो वन टू जी फाइव जी इस पर सब में चले गए आप इसकी ज़रूरत नहीं थी ओके सर कहने का मतलब है कि प्रश्न को एक बार समझ लें मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपको कि अगर प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो कोई बात नहीं है ठीक है सर आपसे अपेक्षा नहीं रखी जाती कि सारे प्रश्नों का जवाब आप दें लेकिन जिसका जवाब दें अच्छे ढंग से दें गेस वर्क ना करें आपके टोटल आज के परफॉर्मेंस में हमें लगा कि थोड़ा गेस वर्क ज्यादा था ठीक उस पर थोड़ा अंकुश रखे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर थोड़ी और जानकारी बढ़ा लें आपका ठीक है सर आपको अच्छा रहेगा यूपी की क्या समस्याएं हैं आप रहने वाले हैं यूपी के हैं जहाँ इतिहास पढ़ा है आपने ये सर तो स्वतंत्रता संग्राम से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए झांसी और कानपुर में क्या रिलेशनशिप है झांसी और वाराणसी में क्या रिलेशनशिप है ये सब थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लें आप तो आप अच्छा करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल से अपेक्षा रखी जाती है कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूपी इस पर क्वेश्चन हो जाएगा पुलिस पुलिसिंग द वे पुलिसिंग इज़ डन इन यूपी हो सकता है उस पर क्वेश्चन हो आपका कौशल विकास में पूछा ही हमने रूरल यूपी को कैसे इम्प्रूव किया जाए ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी में इतनी डिस्पैरिटीज़ क्यों है क्या आपके पास कोई ब्लू है कि उसको आप ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस तरह के प्रश्नों का आप सोच लें और प्रश्नों का दायरा यही रहेगा okay. और आप हैं अच्छे कैंडिडेट थोड़ा सा गेस वर्क से अगर आप बचेंगे तो आपको बहुत अच्छा रखूंगा चले ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू